रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन में सुबह 1 बजे से बृहद स्तर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव आशीष दीक्षित और वरिष्ठ सदस्य निधि वर्मा के अनुसार शिविर में एकत्र रक्त का उपयोग गर्भवती महिलाओं, कैंसर, हीमोफीलिया एवं थैलेसीमिया के मरीजों तथा दुर्घटना में घायल मरीजों के उपचार के लिए किया जाएगा। आज विश्व रेडक्रॉस दिवस है, उसके उपलक्ष में 8 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। इसमें हम थैलेसीमिया पेशेंट और जो जरूरतमंदों के लिए रक्तदान का संग्रह करते हैं और हेल्थ कैंप लगाते हैं। आज इस तारतम्य में यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में रक्तदानों द्वारा आज ये कैंप चल रहा है वर्तमान में, और मेरे को लगता है आज दिन भर ये कैंप चलेगा और जो भी ये रक्त कलेक्ट किया जाएगा वो विशेष रूप से थैलेसीमिया पेशेंट के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए ये निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। सरकारी टीम के द्वारा, विक्टोरिया की टीम द्वारा यहाँ रक्त संग्रह किया जा रहा है और यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय ने भी आज रक्तदान किया है यहाँ पर, और अन्य मेम्बर्स ने भी यहाँ रक्तदान किया है और स्टूडेंट भी कर रहे हैं। इस आवश्यकता को देखते हुए रक्त की कमी ना हो ये शिविर लगाया गया। मैं सुनील कुमार गर्ग, एग्जीक्यूटिव मेंबर रेड क्रॉस सोसाइटी जबलपुर। 8 मई आज विश्व रेड क्रॉस दिवस है, जिसके उपलक्ष में आज रेड क्रॉस भवन में हमारे अध्यक्ष कलेक्टर इलिया राजा, उपाध्यक्ष सौरभ बड़ेरिया, डॉक्टर जितेंद्र जामदार, हम सभी ने यहाँ ब्लड डोनेट किया है और लोगों को प्रोत्साहित किया कि वह भी ब्लड डोनर कर लोगों की जान बचाएं। जिनको ब्लड की आवश्यकता रहती है उनके लिए हम तन मन धन से हमेशा समर्पित रहते हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी सभी के लिए हमेशा समर्पित भाव से कार्य कर रही है और करती रहेगी। अभी 8-9 लोग हो चुके हैं, लगातार यह क्रम 2 बजे तक चलेगा, लोग आते जाएंगे स्वेच्छा से और देते जाएंगे। नीरज वर्मा, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर रेड क्रॉस सोसाइटी, जबलपुर से आशीष बात्री की रिपोर्ट।